हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये फ्रॉक का कटिंग देखा था, अभी हम ये फ्रॉक का स्टिचिंग देखेंगे। देखिए, ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट पोर्शन है और ये हमारा फ्रॉक का बैक पोर्शन। देखिए, बैक पोर्शन में जिप लगाने के लिए, जिप या बटन लगाने के लिए, देखिए हम इस क्लॉथ को इस तरह से सेंटर में कट करेंगे। कट करेंगे। कट करने के बाद हम, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, क्लॉथ बड़ा ही लिया है हमने, इसलिए हम इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे हम इसे बटन्स लगा सकते हैं। चाहे तो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके इस पे अटैच कर सकते हैं, पर मैंने इसी तरह से इसे तरह से, देखिए इस पोर्शन के क्लॉथ को भी हमने इस तरह से फोल्ड करके अब हम इसके ऊपर इस तरह से हम बटन्स लगा सकते हैं। ये हमारा, देखिए ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो गया है। अभी हम इस बैक पोर्शन के लिए यहाँ पे, देखिए ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो गया है। बैक पोर्शन के स्लीव्स और नेक के लिए हम पाइपिंग लगाएंगे। उसके पहले हम फ्रंट पोर्शन, देखिए ये हमारा ड्रेस का फ्रंट पोर्शन है, इस पर हम गला लगाएंगे। देखिए, जो ये पीटर पैन नेक हमने कल स्टिच कट करके रखा था, उसे हम ये नेक इसको जॉइन करके उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, इसके लिए हम इस तरह से ये दो कपड़ा लेंगे, इस तरह से ये दो पीस को हम जॉइन करेंगे। फर्स्ट दोनों को ऐसे उल्टे तरफ से जॉइन करके हम उसे सीधा करेंगे। इस तरह से जॉइन करके हम बस नीचे का बाजू ही जॉइन करेंगे, क्योंकि ऊपर हम ऐसे स्टिच पे जाएगा, इसके लिए हम बस नीचे का ही इस तरह से हम जॉइन करके इसे पलटी करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसे जॉइन कर लिया है। देखिए, दो कपड़े को जॉइन कर लिया है। अभी हम इसे इस तरह से करके चाहे तो आप इसे आयन भी कर सकते हैं। आयन करेंगे तो ये अच्छे तरह से स्टिफ, इस तरह से हमारा ये, इस तरह से ये हमारा नेक ऐसे, देखिए ऐसे फिट होगा। इसी तरह से हम ये दूसरे वाले क्लॉथ को भी, दूसरे वाले पार्ट को भी हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद
इस पर कैसे अटैच करते हैं हम देखेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्टिच करके पलटी करके आयन कर लिया है। आप हमेशा इसको ऐसे आयन करेंगे तो देखिए इस तरह से स्टिफ, देखिए इस तरह से ऐसे स्टिफ हो जाएगा। अभी हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए देखिए ये हमारा नेक है, ये हमारा सेंटर पोर्शन है, तो ये वाला सेंटर ऐसे आना चाहिए, ऐसे सेंटर में आना चाहिए। पहले हम इसको ऐसे उल्टे बाजू में रख के, देखिए ऐसे उल्टे बाजू में रख के स्टिच करके इसको हम इसे पलटी कर देंगे। इस तरह से रखेंगे, रख के पलटी कर देंगे। इसे हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे ऐसे अभी हम इसे इस तरह से पलटी करके इसके ऊपर एक स्टिच देंगे। पहले इसी तरह से इस बाजू का भी हम इसे स्टिच करके, देखिए इस तरह से हम इसे पलटी करके, ये अंदर का ऐसा वाइट क्लॉथ दिखना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम इसे रख के बराबर तरह से हमने फिट कर लिया। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारे स्टिचिंग के ऐसे फोल्ड शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। इसी तरह से हम इस साइड का भी, देखिए इस बाजू पे ऐसे रख के जब हम पलटी करेंगे तो ये वाला क्लॉथ इस तरफ ऐसे आ जाएगा। इसे भी हम ऐसे जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये नेक लगा लिया है। अभी हम देखिए ये दोनों क्लॉथ को, बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन को हम जॉइन करेंगे इस तरह से। दोनों को बराबर ऐसे रख के इसी तरह से देखिए इस पोर्शन को भी हम इसे बराबर रख के इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। जॉइंट करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। अभी हम
यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट पोर्शन है यहाँ पे इस तरह से हम ये वाला पट्टी देंगे। तो उसके लिए हम ये दोनों तरफ से इसे स्टिच कर देंगे, फ्रंट पोर्शन पे स्टिच करके यहाँ पे देखिए ये वाला क्लॉथ का, ये वाले क्लॉथ को ऐसे ऐसे छोटे पीस कट करके हम इसे इस तरह से सेंटर में वो की तरह स्टिच करके हम यहाँ पे दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर देंगे। पहले हम ये दोनों को स्टिच कर देंगे। ये जो कच्चा ये जो पोर्शन है ये बाद में स्टिच में देखिए जब जॉइंट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसी तरह से इस बाजू में भी हम बराबर ऐसे रख के यहाँ पर भी ऐसे स्टिच करेंगे, ऐसे बराबर रख के। इस तरह से हो गया है। देखिए चाहे तो आप ऐसे बो जैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पट्टी भी रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बो जैसे लगाएंगी। देखिए इस तरह से हमने ये बेल्ट लगा लिया है। अभी हम ये दोनों बाजुओं को जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद हम नीचे स्कर्ट से इसको अटैच कर देंगे। जॉइन करने के लिए हम क्लॉथ को ऐसे करके इसी तरह से इस साइड को भी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। जैसे बराबर रख के हमने ये ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। इस तरह से हो गया। अभी हम ये जो हमारा दो पोर्शन ये वाले पोर्शन को ज्वाइन करके हम नीचे वाला स्कर्ट इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करते समय ये कपड़ा मूव नहीं होगा।
तरह से हमने। अब चाहे तो देखिए इस बेल्ट के यहाँ पे हम एक स्टिच कर सकते हैं ताकि वो देखें इस तरह से हम यहाँ पे नीडल और थ्रेड से स्टिच कर देंगे। अभी हम नीचे का स्कर्ट पोर्शन को, ये जो हमारा स्कर्ट पोर्शन है, स्कर्ट पोर्शन को इस तरह से ये ब्लू कलर का लेस लगाएंगे। पहले हम इसे इस देखिए बराबर आ गया है, अभी हम इसे फिट करेंगे, जॉइन करेंगे। ये दोनों ऐसे उल्टा बाजू लेके इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए ऐसे हमने जॉइन कर लिया है। अभी इस तरह से हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। एक 2 साल की बच्ची के हिसाब से साइज का है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फ्रॉक रेडी हो गया है। ये नेक देखिए यहाँ पे हमने इसे बेल्ट लगाया है। 1, 2 साल, 3 साल की बच्ची के साइज का है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।